आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। केंद्र सरकार की ऑनलाइन मंडी ई नाम के मुताबिक इस समय महाराष्ट्र के कई मंडियों में सोयाबीन का रेट 8,000 रुपये क्विंटल की जगह 6,000 रुपये के औसत दाम पर आ गया है, जबकि न्यूनतम दाम 1,000 से 5,000 रुपये तक ही रह गया है। सिर्फ इतने दाम में किसानों की इनकम डबल कैसे होगी, इससे किसानों में काफ़ी निराशा है। महाराष्ट्र स्टेट एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के मुताबिक वहाँ प्रति क्विंटल 6,234 रुपये तो लागत ही आती है। ऐसे में 8,000 से 10,000 रुपये से कम कीमत मिलने पर किसानों को नुकसान ही नुकसान है। सोयाबीन की कीमतों में गिरावट अभी भी जारी ही है। वाशिम जिले की एक मंडी में 11 दिसंबर को सोयाबीन का न्यूनतम दाम गिरकर 3,500 रुपये क्विंटल रह गया। यह मॉडल प्राइस 6,200 रुपये था। यहाँ की सिंधी मार्केट में इसका न्यूनतम दाम 1,020 जबकि मॉडल प्राइस 6,350 रुपये क्विंटल तक रहा। इसी तरह नागपुर मंडी में इसका मिनिमम प्राइस 4,400 रुपये जबकि सर्वसाधारण भाव 5,850 रुपये क्विंटल रहा। अमरावती के धामन गांव में सोयाबीन का न्यूनतम रेट 3,450 एवं मॉडल प्राइस 6,375 रुपये ही रहा। महाराष्ट्र देश का दूसरा सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक प्रदेश है। प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन लेने में महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से भी आगे है। इस साल भारी बारिश और बाढ़ से पहले ही किसानों की काफ़ी फसल बर्बाद हो गई। ऐसे में अगर अब उन्हें सही दाम भी नहीं मिला तो वो आगे खेती कैसे कर पाएंगे। इस साल पहले प्राकृतिक आपदाओं ने किसानों को तबाह किया और कम दाम अब उन्हें परेशान कर रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को इसकी वजह बताया जा रहा है। इसके अलावा मार्केट में आवक तेज होना भी एक फैक्टर हो सकता है। इसकी वजह से सोयाबीन की कीमतों में पिछले 10 दिनों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। साथ ही इस बात को लेकर भी असमंजस बना हुआ है कि सोयाबीन को 6,000 रुपये से ज़्यादा क्यों नहीं मिल रहा। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में आने वाली मलकापुर मंडी में 11 दिसंबर को न्यूनतम दाम 2,500 रुपये जबकि मॉडल प्राइस 5,865 रुपये क्विंटल रहे। ऐसे में किसानों की इनकम में वृद्धि कैसे ही हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।